हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको बताएंगे KTM RC और KTM ड्यूक की टेल लाइट फ्रंट ब्रेक लगाने पर काम नहीं कर रही है, तो इसको कैसे सही करें। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम वायरिंग की वजह से आ रही है या ब्रेक लाइट स्विच की वजह से आ रही है, इसे कैसे पहचानें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, मैं फ्रंट ब्रेक को प्रेस कर रहा हूँ लेकिन टेल लाइट नहीं जल रही है। तो गाइस देखिए, ये हमारे फ्रंट ब्रेक लीवर के नीचे एक ब्रेक लाइट स्विच है और इससे ये दोनों वायर्स कनेक्टेड है। तो सबसे पहले इन दोनों वायर्स को हटा लेना है। ये देखिए, इन दोनों वायर्स को हमने हटा लिया। तो गाइस, इन दोनों क्लिप्स को हमको सामने से थोड़ा क्लीन करके इन दोनों को टच करके देखना है आपस में कि हमारी ब्रेक लाइट जल रही है या नहीं। तो चलिए इनको क्लीन करके टच करके देखते हैं। तो गाइस देखिए, इन दोनों क्लिप्स को हमने अच्छे से साफ कर लिया है सामने से। तो अब इनको टच करके देखते हैं। तो देखिए गाइस, इन दोनों को आपस में टच करने से हमारी बैक लाइट या टेल लाइट जल रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी वायरिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे स्विच में प्रॉब्लम है। तो चलिए स्विच को निकालते हैं। तो गाइस, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर और एमरी पेपर, ये दोनों चीज़ चाहिए। तो गाइस देखिए, टेल लाइट स्विच को निकाल लिया है और आप इसके पॉइंट देख सकते हैं कितना कार्बन लगा हुआ है। ये देखिए गाइस, इस सब को क्लीन कर लेना है और उसके बाद इसको दोबारा से लगाएंगे। तो गाइस देखिए, हमने इसके दोनों पॉइंट्स को अच्छे से क्लीन कर दिया है और इसका सारा कार्बन हटा दिया है। और अब इसको दोबारा से बाइक में लगाएंगे। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो गाइस देखिए, हमने ब्रेक लाइट स्विच लगा दिया है और अब इसके वायर्स को लगाते हैं। तो गाइस देखिए, इन दोनों वायर्स को भी लगा दिया है और आप इन दोनों वायर्स को कोई सी भी पिन पर लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार फ्रंट ब्रेक दबाकर ब्रेक लाइट चेक कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, अब हमारी बाइक की टेल लाइट अच्छे से वर्क कर रही है और हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। और अगर आपकी प्रॉब्लम अब भी सॉल्व नहीं होती है तो आपको इस ब्रेक लाइट स्विच को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।